गुरदासपुर में 9 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से आ रही अमृतसर की बस फ्लाईओवर पर पलटी, 25 से ज्यादा लोग घायल। पंजाब व अन्य राज्यों के तर्ज पर चंडीगढ़ में सप्ताह के आखिरी दो दिन कर्फ्यू पर चल रही चर्चा। ममता की गढ़ पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया गया, लोगों को मिलेगी कुछ निश्चित छूट। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री ने सेक्टर 26 और 31 में किया स्कूलों का उद्घाटन। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बुधवार को सेक्टर 26 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और सेक्टर 31 में राजकीय प्राथमिक पाठशाला का उद्घाटन किया। इन दोनों स्कूलों में लॉकडाउन खुलते ही कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस स्कूलों में शिक्षा का स्तर इस प्रकार का रहेगा कि यहाँ हर वर्ग के लोग अपने बच्चों का पढ़ाना चाहेंगे। हरियाणा में अगले हफ्ते हो सकता है नए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रदेश के कई बड़े नेताओं व मंत्रियों ने की बैठक। खरखोदा शराब घोटाले के आरोपी जसबीर सिंह को अदालत में पेश करने के बाद 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। बुधवार रात के समय मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के सामने गायों का झुंड देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये गायें लावारिस हैं तो इनके लिए गौशालाएं कहाँ हैं? ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।